हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से मैं आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। इस बात का ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से जारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। फोन कॉल करीब 50 मिनट तक चली। उन्होंने यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति पर पीएम मोदी को जानकारी भी दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में 3 दिन बचे हैं। ऐसे में मतदान के बाद से आराम फरमा रहे नेता फिर सक्रिय होने लगे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू दौरे पर पहुंच गए। सोमवार को चार्टर प्लेन से नड्डा जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना और अन्य नेता उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट से सीधे नड्डा श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को भारी ड्रामा देखा गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में हिंसा को लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन करने वाले बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच अपना भाषण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उद्घाटन भाषण देने के लिए दोपहर 2 बजे विधानसभा पहुंचे धनखड़ ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि बीजेपी विधायक नगर निकाय चुनाव के हिंसा के पीड़ितों के पोस्टर और तस्वीर लेकर सदन में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित की गई। बैठक में अलग अलग विभागों के पदों को भरने के अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के 8,000 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बजट सत्र की शुरुआत एक अलग ही विवाद से शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्यपाल गंगूबाई पटेल के अभिभाषण से पहले ही उनके बहिष्कार की घोषणा कर दी। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अभिभाषण पेश होने से पहले उनका विरोध कैसे हो सकता है। वहीं अभिभाषण लीक करने के भी आरोप लगे हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव किया गया है। गोरखपुर जिले में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, इससे लोगों की मुश्किलें थोड़ी कम होगी। गोरखपुर शहर में सोमवार को पेट्रोल 95.43 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 86.95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल 9 और डीजल में 8 पैसे की कमी हुई है। इससे वाहन चालकों को खासकर लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। कोल इंडिया की सहायक कंपनी BCCL का कोला उत्पादन इस साल फरवरी 61% बढ़कर 32.4 लाख टन हो गया है। इसके अलावा फरवरी महीने में कोयला ऑफटेक 66% बढ़कर 29.3 लाख टन रहा, जो एक रिकॉर्ड है। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि BCCL ने पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने की तुलना में फरवरी 2022 में कोयला उत्पादन और प्रेषण में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।